Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss about hydrolysis of ATP, जो bioenergetic unit से related एक important topic है, एक important concept है MSc semester exams के लिए. So इस particular video में detail में discuss करेंगे कि ATP का hydrolysis किस प्रकार से होता है. साथ ही साथ आपको एक handwritten notes provide करूंगा जो definitely आपके exam preparations के लिए बहुत helpful होगा. So what is hydrolysis of ATP? The bond of adenosine triphosphate ATP can be broken through the addition of water, releasing one are two phosphate groups in an exergonic process are called hydrolysis. Okay, so hydrolysis of ATP क्या होता है? सबसे पहले hydrolysis जो term है, ठीक है, इसका individual meaning समझ लेते हैं. Hydrolysis क्या होता है? एक प्रकार का chemical process होता है, जिसमें एक water molecule किसी भी substance में add होता है, and इस substance के जो bond होते हैं, उसको तोड़ देता है, ठीक है? तो इसी chemical process को ही hydrolysis process कहा जाता है. Same क्या होता है? ATP के case में क्या होगा? जो adenosine triphosphate होता है, उसमें एक water molecule को add किया जाता है, जिससे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के जो आपस के जो बॉन्ड होते हैं वो टूट जाता है, जिसके कारण एक या एक से ज्यादा फास्फेट ग्रुप रिलीज होता है एक्सर्गोनिक प्रोसेस के द्वारा. ठीक है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस के द्वारा. सो इसी को हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस. ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? एक वाटर मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस में ऐड करना. तो यहाँ पे एक सब्सटेंस हमारा क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपस में क्या होता है? बेसिकली एडिनिन बेस, राइबोस सुगर और थ्री फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना होता है, एक सब्सटेंस हो गया. अब इसमें हम एक वाटर मॉलिक्यूल डाल देते हैं. सो वाटर मॉलिक्यूल के कारण जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये अलग हो जाता है. ठीक है, बॉन्ड फॉस्फेट ग्रुप जिस बॉन्ड से जुड़ा होता है वो बॉन्ड टूट जाता है, और एक या एक से ज्यादा जो फास्फेट ग्रुप्स होते हैं एटीपी से अलग हो जाते हैं. सो एक्सर्गोनिक प्रोसेस के द्वारा. सो इस पूरे प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है, एटीपी का. ठीक है, अब एक्सर्गोनिक एंडरगोनिक प्रोसेस क्या है, मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे प्लेलिस्ट का, आप देख सकते हैं. एक्सर्गोनिक प्रोसेस मतलब कि यहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है इस पूरे क्रिया को होने के लिए. ठीक है, कोई बाहरी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इस क्रिया के द्वारा खुद एनर्जी जो है बाहर निकलता है. ठीक है, इसी को ही एक्सर्गोनिक प्रोसेस कहा जाता है. ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. सो यही है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, एंड दिस रिएक्शन लिबरेटेज द एनर्जी इन द बॉन्ड्स फॉर यूज इन द सेल फॉर द इंस्टेंट ऑफ सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड. ठीक है, सो बेसिकली ये एटीपी जो है हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का पूरा रिएक्शन है. ठीक है, उसका बॉन्ड टूट रहा है, उसमें वाटर एड हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप अलग हो रहा है, ये पूरा एक्सर्गोनिक प्रोसेस है. मतलब इसमें एनर्जी लिबरेटेड हो रहा है. ठीक है, एनर्जी बाहर निकल रहा है. सो ये जो एनर्जी बाहर निकल रहा है इसको हमारे जो बॉडी के जो सेल्स होते हैं ये यूज करते हैं जो एमिनो सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड्स. जो एमिनो एसिड्स है उससे प्रोटीन बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए इस एनर्जी का यूज किया जाता है. ठीक है, ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी. ठीक है, एटीपी का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो एनर्जी बाहर निकलता है, और इस एनर्जी को हमारे सेल्स एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, ये बहुत सिंपल पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इफ वन फॉस्फेट ग्रुप इज रिमूव्ड. ठीक है, अगर एक फॉस्फेट ग्रुप निकलता है सो अ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रिमेन एंड अलॉन्ग विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एडीपी कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड and to AMP adenosine monophosphate by the remove of second phosphate group. ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. पहला पॉइंट आपको यह समझ में आ गया कि जब हम एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे एटीपी में तो हमारा फास्फेट ग्रुप अलग होगा. ठीक है, पहला प्रोसेस क्या होगा? एक फास्फेट ग्रुप अलग होगा. अगर एक फास्फेट ग्रुप रिमूव हुआ, अलग हुआ एटीपी से, ठीक है, तो हमको एडीपी प्राप्त होगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ठीक है, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनेगा हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, अलॉन्ग विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी हमको मिलेगा, साथ ही एनर्जी भी मिलेगा. अब सेकेंड बार जब हम हाइड्रोलाइज कराएंगे एडीपी का, ठीक है, एडीपी का हाइड्रोलाइज कराएंगे तो हमको एएमपी प्राप्त होगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्राप्त होगा बाय रिमूव्ड ऑफ सेकंड फॉस्फेट ग्रुप. जब सेकंड फॉस्फेट ग्रुप भी रिमूव हो जाएगा तो हमको एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी प्राप्त होगा. ठीक है, ये हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे तो और इजीली आपको समझ में आ जाएगा. बाकी थ्योरी पोर्शन ये है, बेसिक पॉइंट्स ये है, आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा. अब स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी देख लेते हैं. बेसिकली एटीपी कंसिस्ट ऑफ अ एडिनिन बेस, राइबोस सुगर एंड थ्री फॉस्फेट ग्रुप विद द लेटर अटैच टू ईच अदर थ्रू हाई एनर्जी फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड. ठीक है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड यहाँ पे आप देखिए,
ये है एटीपी का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एटीपी का स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या कहा गया है, जो एटीपी होता है, ये पूरा एटीपी का स्ट्रक्चर है। एटीपी जो है एक एडिनिन बेस, ठीक है, ये एक एडिनिन बेस, एक राइबोस सुगर और तीन फास्फेट ग्रुप जब आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जब जुड़े होते हैं तो एटीपी का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। एटीपी में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एटीपी में क्या क्या पाए जाते हैं, एडिनिन बेस, राइबोस सुगर और फास्फेट ग्रुप, ठीक है। तीनों आपस में जुड़े होते हैं फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, ये तीनों आपस में जुड़े हुए। अब क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस कैसे कराएंगे, अब इसका हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस अब स्टार्ट करते हैं। सो ये एटीपी हो गया, अब एटीपी में हाइड्रोलाइसिस कराना है, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल किसी सब्सटेंस में डालना है, एटीपी में डालना है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल जब एटीपी में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो वाटर H2O है, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं, एक यहां पे देखिए तीन फास्फेट ग्रुप है, लेकिन जैसे ही हम H2O इसमें डाल देंगे तो H का मतलब H2O, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक H इसके साथ आ जाएगा और एक OH इस ग्रुप के साथ हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है, ये अलग हो जाएगा, OH यहां पे आ जाएगा, ठीक है, H2O का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये एटीपी है, अब हम इसमें H2O डाल रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे H2O अगर हम डाल देते हैं तो ये एक H इसके साथ चला जाएगा और OH बाकी बचेगा, तो पूरा ग्रुप यहां अलग हो जाएगा, ये फास्फेट ग्रुप अलग हो जाएगा और यहां पे आप देख सकते हैं ये फास्फेट ग्रुप अलग हो गया, एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट, ठीक है, ये अलग हो गया और ये हमारा दो फास्फेट ग्रुप बच गया फिर से, ठीक है। ये बाकी एडिनिन बेस और राइबोस सुगर तो सेम रहेगा, साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज होगा क्योंकि एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, ठीक है। तो अब हम क्या, हमारा क्या बच जाएगा, एडिनिन एडिनोसिन डाइफास्फेट ADP, ये जो स्ट्रक्चर है ये एडिनोसिन डाइफास्फेट है क्योंकि यहाँ पे दो फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर तीन फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ था इसलिए इसको ट्राइफास्फेट कहते थे। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा जो है एक फास्फेट ग्रुप अलग हो गया जिससे हमारा जो है दो फास्फेट ग्रुप बच गया जिसके कारण एडिनोसिन डाइफास्फेट हुआ। अब अगर फर्दर, ठीक है, इसको आगे भी अगर हम करना चाहें हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, इसका करना चाहें एडीपी का, तो यहाँ पे फिर H2O मतलब इसमें मिक्स कर देंगे, ठीक है, एक H2O मॉलिक्यूल डाल देंगे तो ये जो है एक फास्फेट ग्रुप फिर अलग हो जाएगा, अब बच जाएगा फिर एक फास्फेट ग्रुप और ये पूरा स्ट्रक्चर बच जाएगा, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, AMP एडिनोसिन मोनोफास्फेट, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, बहुत इजी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये था हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP। आई होप ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हुए होंगे। अगर आप MSc केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट में ये यूनिट मिल जाएगा। अगर आप परसू, बस्तर या दुर्ग यूनिवर्सिटी से MSc कर रहे हैं तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेम टू सेम ये आपके सिलेबस में है। अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से MSc कर रहे हैं तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हैं, बट अगर आप इन यूनिवर्सिटी से MSc कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक्स जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट में मिल जाएगा। सो अगर आपको इस पर्टिकुलर यूनिट का कंप्लीट हैंडरिटन नोट चाहिए जिसमें इन सभी टॉपिक्स के डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ नोट्स आपको मिलेगा, सभी टॉपिक्स आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा, तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट का हैंडरिटन नोट्स या आप दूसरे यूनिट्स का नोट्स भी ले सकते हैं। सभी यूनिट के नोट्स आपको इंडिविजुअल अवेलेबल है। इसके अलावा आपको सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चाहिए तो उसका भी आपको इंडिविजुअल मिल जाएगा, सिर्फ फिजिकल का चाहिए तो उसका मिल जाएगा। अगर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस का नोट्स चाहिए थर्ड सेमेस्टर का तो उसका भी लिंक आपको इंडिविजुअल मिल जाएगा। आप अपने सुविधा के अनुसार नोट्स ले सकते हैं या आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर भी कॉन्टेक्ट करके जो है नोट्स ले सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, एंड आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।